हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ माय वीडियोस आर इंफॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज का टॉपिक है जल संरक्षण पर हिंदी निबंध। पानी हम मनुष्यों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। दुनिया के 71% हिस्से में पानी है, जिसमें से पीने लायक पानी मात्र 1% है। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। हमारी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी होना बहुत जरूरी है। जैसे पानी पीना, खाना बनाना, नहाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, पेड़ पौधों को पानी देना आदि। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जल मौजूद है। हम प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में पानी व्यर्थ करते हैं। इसके साथ ही हम पानी के स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं। यदि अब हमने जल को संरक्षित करना शुरू नहीं किया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जल संरक्षण के लिए हम सभी लोगों को जल बचाने की ज़रूरत है। भारत में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की गंभीर समस्या हो रही है। अगर अब हमने जल का संरक्षण नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ पानी के लिए तरस जाएगी। पानी की बर्बादी के कारण कृषि गतिविधियों में भी काफी नुकसान होता है। अगर कृषि अच्छे से नहीं होगी तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाएगा। वाहनों को धोते वक्त, फल और सब्जियों को धोते वक्त और छत धोते वक्त भी कम पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली की बचत करके, क्योंकि कई सारे बिजली उत्पादन के अंदर जल विद्युत ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार से हम बिजली को बचाकर भी पानी बचा सकते हैं। अनावश्यक रूप से नल को खुला ना छोड़ें और लीक होने पर नलों को तुरंत ठीक करवाएं। ब्रश करते समय या हाथ धोते समय नल को खुला ना रखें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर नहाना चाहिए। बरसात के पानी को जमा कर उसका उपयोग जल बचाने में किया जा सकता है। आरओ के फिल्टर पानी का जो पानी बाहर निकलता है उस पानी का भी इस्तेमाल पेड़ पौधों को डालने में, छत धोने में आदि करना चाहिए। जल का प्रयोग जरूरत से ज़्यादा मात्रा में अन्य क्रियाकलापों के लिए किया जाता है जो कम करना चाहिए। जल को फैलाना नहीं चाहिए। ऐसे कई तरीके हैं जिसे करके हमारे द्वारा हम पानी को व्यर्थ फैलाने से बचा सकते हैं। पानी को संरक्षित करने के लिए बरसात सबसे अच्छा स्रोत है। लोग समुद्र के पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। यदि जल को निरंतर खराब और दूषित किया जाता रहा तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। पानी में गंदगी को बहाकर जल स्रोतों को दूषित नहीं करना चाहिए। आजकल लोग पानी की बोतल, बेकार पैकेट आदि सामान नदियों में फेंक देते हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। पानी में कचरा फेंकने से जल प्रदूषण होता है और मछलियों और अन्य जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना अति आवश्यक है। यदि यह समस्या ऐसी ही बनी रही तो बहुत जल्द ही या तो पानी बहुत कम मात्रा में बचेगा या फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, जिससे हमारे अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। जल मानव के लिए सबसे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमें पेड़ों की कटाई भी रोकनी चाहिए। साथ ही हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि भविष्य में पानी की समस्या उत्पन्न न हो सके। जल के महत्व को समझने के लिए व लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पानी की एक एक
बूंद कीमती है, इसलिए हमें पानी को आवश्यकता के अनुसार ही काम में लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।